हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी क्लास 8th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16 करने वाले हैं, जो आपकी 9 सितंबर की बच्चों ये वर्कशीट है। इसमें हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दो वीडियो में पढ़ा था धातु और अधातु के बारे में, ठीक है बच्चों। ये आपकी सब्जेक्ट है साइंस। सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट को कम्प्लीट करें, ठीक है बच्चों। साइंस की आपकी हिंदी मीडियम में, दो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, वो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे। मैंने वो भी अपलोड कर दी है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये गया आपका धातु अधातु। आज हम धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे, ठीक है। हमने क्या इससे पहले भौतिक गुणों के बारे में जाना था। इससे पहली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था, भौतिक गुणों के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणों के। देखिए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जब कोई धातु होती है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। पिछली कक्षा में हमने जाना था मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने सके सफ़ेद रंग की राख के रूप में क्या आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आप देखो क्या किया गया है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है, आपका बच्चों ऑक्साइड बनना है, ठीक है। लोहे की वस्तु को वायु में खुला रख देने पर वह वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया कर आयरन बनाता है, इसे लोहे में जंग लगना कहते हैं, ठीक है बच्चों। रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं उसे, ठीक है, लोहे में जंग लगना। ऑक्सीजन क्या अभिक्रिया करता है, कि वैसे बच्चों जंग लग जाता है कुछ भी चीज़। इसमें एक और चीज़ देखिए, जब कॉपर को लंबे समय तक आप खुला रख देते हैं वायु में जिसमें नमी होती है, तो उस पर एक हल्की परत जम जाती है। क्या जम जाती है, हल्की परत, जो हरा पदार्थ पर ऑक्साइड CuOH2 कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है, ठीक है। इन दोनों का मिश्रण होता है, जो ऐसे है आपके Cu+H2O+CO2+O2 क्या बनता है बच्चों, CuO2, ठीक है, CO3, ये आपका रिएक्शन बनती है, ठीक है। ये आपकी क्या है बच्चों, नम वायु है, आपका वाटर हो गया, ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, नम वायु बनता है, जो आपकी एटमोसफेयर से। अब देखिए दो रिएक्शन दी गई, आयरन को जल मिलाकर रिएक्शन करवाओगे तो आपका बच्चों Fe2O बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम को ऐड करोगे तो आप बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसमें दे गया है, हम एक क्रियाकलाप के द्वारा कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय, ठीक है। हमें चाहिए लोहे की जंग, हल्दी पेपर, मस पेपर, सूचक और टेस्ट ट्यूब, ठीक है। क्या क्या चाहिए, लोहे की जंग चाहिए, ठीक है, कोई लोहा चाहिए जिस पे जंग लगा, हल्दी का पेपर चाहिए, ठीक है, लिटमस पेपर, और आपको सूचक और टेस्ट ट्यूब, क्या आप पता लगाओ कि बच्चों, और आपको टेस्ट ट्यूब, ये आपकी टेस्ट, आपको क्या लिटमस पेपर आपको दिया गया है और रस दिया गया, आपने लिया जंग जंगेरा, ठीक है। अब देखो इसमें आप क्या करेंगे, रस जंग को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा करना है और उसको पानी में घोलना है। इसमें डाल दिया, आपको पानी डाल दिया और रस डाल दिया, रस पानी में नहीं आता, आप रस की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते, देख सकते हो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते, MgO ले सकते। अब देखो इसमें मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया और मिश्रण को क्या आया और नीले और लाल लिटमस व हल्दी के सूचक से टेस्ट किया, तो जो लिटमस से इसका और हल्दी के सूचक हमने देखा लाल की रस्ट लाल लिटमस को नीला कर देता, ठीक है, जो आप क्या कर दी, और हल्दी के सूचक को क्या लाल कर देती, हम कह सकते हैं ये होते हैं, ठीक है। आपने पीएच के बारे में पढ़ा, जब इसमें कह रहे हैं क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला करा जा रहा है, तो ठीक है सूचक
जल के साथ। जब यही अभिक्रिया जल के साथ की जाती है, धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। धातु प्लस जल क्या बनता है बच्चों? धातु ऑक्साइड प्लस क्या बच्चों क्या बनता है? धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन और जल के साथ तेजी से करती है, इसमें बहुत अधिक ऊष्मा है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बच्चों आपने सुना हो सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम एन वाटर। देखो कुछ धातु आयरन या लोहा जंग से धीमी अभिक्रिया, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए बच्चों सोना कभी खराब। हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं। बच्चों अब देखिए उस प्रश्न नंबर वन करेंगे, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर एक नोट डाउन करेंगे, लोगों को लिखना है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं बच्चों, ठीक है? फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सभी बच्चे पहले इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है देखिए इसका आंसर है आपका में दिया गया है, आपको यहाँ से लिख, ठीक है। सोडियम धातु बहुत तेज अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन और जल के साथ, बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यहाँ से आपका क्या हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आंसर नंबर टू, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बने? ठीक है बच्चों तो आप लिखेंगे इसमें, देखिए आपके यहाँ दिया गया है, ठीक है आपको लिखना है मैग्नीशियम नंबर, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जला मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये आपका सेकंड होगा, ठीक है। अब आप थर्ड पे चलते हैं, थर्ड दिया गया है, लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाए? ठीक है इसका आंसर मैं आपको लिख पाऊंगा, नंबर ताकि वह नमी से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाते, बनाता है। जिसे लोहे में जंग लगना इसलिए हम पेंट कर, ये आपका आंसर नंबर।
सभी बच्चे कंप्लीट कर। आपका लास्ट है के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती। ठीक है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा बच्चे, कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट। और सभी बच्चे अगर आप लोग गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और गिफ्ट जीतना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया है जिस पे संडे को वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसमें आपके गिफ्ट के बारे में बताया जाएगा। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो ज़रूर नीचे चैनल दिए गए डिस्क्रिप्शन